हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए इन्फोसिस को छोड़कर आईटी सेक्टर में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो अभी इन्फोसिस को थोड़ा सा रहने दीजिए, क्योंकि वहाँ पे तलवार लटकी हुई है। तो एक शेयर और है जहाँ पे बोनस अभी पेंडिंग है, 1:1 का बोनस जो है वो पेंडिंग है, और उस बोनस की रिकॉर्ड डेट जो है वो डिक्लेयर होने वाली है, क्योंकि वो अप्रूवल होगा पहले शेयर होल्डर से, फिर रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर होगी। लेकिन बोनस अभी पेंडिंग है और जबरदस्त प्रॉफिट इसने दिखाया था जब बोनस अनाउंस किया था उस टाइम पे। साथ में देखते हैं टीसीएस, इन्फोसिस और इस शेयर को देखते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। जैसा कि आपको पता है, जब आईटी सेक्टर की बात आती है तो पांच छह बड़े नाम हैं जो जरूर सामने आते हैं। सबसे पहले टॉप पे टीसीएस आता है, इन्फोसिस आता है, फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज आता है, विप्रो आता है एंड टेक महिंद्रा। ये पांच बड़े नाम जरूर आते हैं वहां पे। अब आप देखिए, इन्फोसिस की बात करते हैं, टीसीएस की बात करते हैं। पहले टीसीएस में अभी बड़ी डील साइन हुई थी, जिसकी वजह से शेयर बिल्कुल निचले लेवल से उछल के फिर ऊपर आया, और यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 लाख करोड़ का है। जबरदस्त सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ है। उसी तरीके से आप इन्फोसिस देखिए, विसल ब्लोअर की कंप्लेंट के बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट है। अभी एक दूसरी कंप्लेंट भी देखने को मिली थी, जो कि इतनी बड़ी कंप्लेंट नहीं थी, छोटी सी कंप्लेंट थी, लेकिन वहाँ पे भी शेयर में फिर भी नेगेटिविटी देखने को मिली और 691 के लेवल पे फिर चला गया शेयर। और इन्फोसिस की अगर डिटेल देखें तो इस पे भी तलवार लटकी हुई है उस विसल ब्लोअर की कंप्लेंट की वजह से। चलिए, ये दो आईटी शेयर तो आपने देख लिए, लेकिन हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने बोनस अनाउंस किया था, और बोनस अनाउंस करते ही शेयर ने अपने 1150 के लेवल को फिर टच किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस शेयर को अगर मैं डिटेल में आपको दिखाऊं तो टीसीएस इन्फोसिस से कहीं आगे इसका प्रॉफिट ग्रोथ एवरेज और सेल्स ग्रोथ एवरेज पिछले 3 साल का ज्यादा है। एच सी एल टेक्नोलॉजीज 22% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। अगर इन्फोसिस और टीसीएस को आप देखोगे तो कितना प्रॉफिट ग्रोथ है, इसका आधा भी नहीं है। एच सी एल टेक्नोलॉजीज 24 से 25% का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है पिछले 3 साल का एवरेज। अगर इन्फोसिस और टीसीएस का आप सेल्स ग्रोथ देखोगे एवरेज, इसका आधा भी नहीं है। तो एच सी एल टेक्नोलॉजीज कहीं आगे निकल रहा है आंकड़ों के मामले में इन दोनों शेयर से। अगर मैं प्रोमोटर होल्डिंग देखूं एच सी एल टेक्नोलॉजीज की, तो ऑलमोस्ट 60% के आसपास है। अर्निंग पर शेयर बहुत ही अच्छा है। अगर टीसीएस और इन्फोसिस के कंपैरिजन में एच सी एल टेक्नोलॉजीज का आप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो कहीं अच्छा है। मात्र 15 का अर्निंग पी रेशियो है, और अर्निंग पर शेयर की तो देख लीजिए बहुत ही प्राइस, क्योंकि हम यहाँ पे करंट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो पी रेशियो देखिए, इन टीसीएस का 25 है तो इन्फोसिस का 19 है, तो और एचसीएल का कितना है, 15 के आसपास। बहुत ही बढ़िया अर्निंग पर शेयर अगर आप प्राइस के कंपैरिजन में देखोगे, ऑल्दो पी अर्निंग पर शेयर पर प्राइस के कंपैरिजन में होता है, तो आप देखिए बहुत ही बेटर ये निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं रिजल्ट में आपको दिखाऊं तो देखिए, सितंबर 2019 में जहां पे एचसीएल ने 2700 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, और पिछले साल सितंबर में मात्र 2500 करोड़ का प्रॉफिट था, तो अच्छा ग्रोथ दिखाया था। वहीं पे टीसीएस वगैरह ग्रोथ ज़्यादा दिखाने में फीके रह गए थे, ये 8000 करोड़ का प्रॉफिट और सितंबर में 7900 करोड़ का प्रॉफिट, मामूली सा ग्रोथ दिखाया था। वहीं पे इन्फोसिस में आंकड़ों में गड़बड़ी के साथ साथ इसने ग्रोथ भी ज़्यादा नहीं दिखाया था सितंबर वाले क्वार्टर में। तो कहीं ना कहीं सितंबर क्वार्टर के अगर रिजल्ट को देखा जाए, ओवरऑल आंकड़ों को देखा जाए, तो एच सी एल आई टी सेक्टर का एक काफ़ी अंडर वैल्यूड शेयर आप इसको कहोगे, अंडर वैल्यूड, जो कि नंबर्स में आप देख पा रहे हो क्लियरली, अंडर वैल्यूड मैं कहूँगा। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल प्रॉफिट की बात करते हो तो प्रॉफिट पूरा साल के हिसाब से देखिए 10000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इसका एस्टिमेट है, 10000 करोड़ के पार। और उसी तरीके से अगर टीसीएस की बात की जाए तो टीसीएस का प्रॉफिट कहीं ज़्यादा होता है। यहाँ पे देखिए पूरे साल के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो 32000 करोड़ का, यानी कि एचसीएल से 3 गुना ज़्यादा है, और इन्फोसिस का जो प्रॉफिट पूरे साल के हिसाब से वो 15000 करोड़ के आसपास, तो इन्फोसिस से ज़्यादा दूर नहीं है इसका प्रॉफिट, 4000 करोड़ कम है ऑल दो, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इस तरीके से अगर इन्फोसिस में गड़बड़ी देखने को मिली तो एचसीएल किसी टाइम पे इन्फोसिस से आगे निकल जाएगा, देख लीजिए। और बोनस की बात कर रहे थे हम, तो बोनस है वो 1:1 का बोनस है। 23 अक्टूबर को इसने अनाउंस किया था वो बोनस, और बोनस के अनाउंसमेंट के बाद अभी जो रिकॉर्ड डेट है उस पे अटक पड़ी है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज बोनस की रिकॉर्ड डेट है जो, वो ध्यान देने वाली बात है। जब ये डिक्लेयर होगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी बिल्कुल। फिलहाल क्या होता है कि जो ये बोनस अनाउंस तो बोर्ड कर देता है, लेकिन इसका अप्रूवल शेयर होल्डर से भी लेना पड़ता है। तो जिस किसी के पास भी एचसीएल टेक्नोलॉजी शेयर होंगे उसके एक मेल आएगी कि भैया वोट दो, तो वो वोटिंग के होती है, वो अप्रूवल शेयर होल्डर से जब मिलता है तो, क्योंकि हर शेयर होल्डर एक मालिक है कंपनी का ये मान के चले, और जब ये शेयर होल्डर से मिलेगा
अप्रूवल, उसके बाद ही इसके रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर की जाएगी कि दिस बोनस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर ऑल्सो एंड दिस इज द रिकॉर्ड डेट ऑफ द बोनस, दिस इज द एक्स बोनस डेट। अब खरीदने की बारी आती है, आप सोचोगे A1:1 का बोनस। एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, जो 1:1 का बोनस होता है उसका मतलब होता है कि अगर आपको एक शेयर है तो एक शेयर और मिल जाएगा, यानी कि आपके शेयर हो जाएंगे डबल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि जब एक्स बोनस डेट जो आएगी ना, एक्स बोनस डेट के दिन, सपोज मान लीजिए एक्स बोनस डेट से पहले ये शेयर 1150 का है, तो पहुंच जाता है सीधे सीधे 1200 का, 1200 तक पहुंच जाता है। तो इसका प्राइस एक्स बोनस डेट वाले दिन, एक्स बोनस डेट से पहले क्या है 1200, और प्राइस फिर उस दिन एडजस्ट होकर कितना हो जाएगा 600। तो बोनस का ये, अब लोग कहते हैं कि बोनस से फायदा क्या होता है। अब बोनस से फायदा कुछ नहीं होगा, लेकिन बोनस से ये फायदा होता है कि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं तो लिक्विडिटी आ जाती है। और यहाँ पे कोई 1200 के हिसाब से शेयर खरीद रहा होता है तो एक शेयर खरीदता है, यहाँ पे दो शेयर खरीद सकता है, और दो शेयर में से वो एक को बेच करके एक को रख भी सकता है। तो इस तरीके से जो लिक्विडिटी मार्केट में उस शेयर्स, उस कंपनी के शेयर्स में आती है, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट यह है कि बोनस के अनाउंसमेंट के बाद शेयर में उछाल आता है जब तक कि बोनस दिया ना जाए। तो आप खुद सोचिए, ये शेयर HCL का कितना 1050 1060 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था रिजल्ट से बोनस से पहले, और आज की डेट में ये 100 रुपये ऑलरेडी उछल चुका है। तो बोनस की जो फायदा होता है वो तभी होता है जब अनाउंस होता है ना, तो एकदम उसका जंप आता है उसके बाद। तो ये पॉजिटिविटी आप देखिए, ये शेयर जाता जाता बोनस तक 1200 1300 अगर मार्केट कंडीशन सही रही तो ऊपर चला जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि आपको 150 200 250 रुपये का जंप अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल गया बोनस के अनाउंसमेंट पर। तो ये बेनिफिट होता है। लोग कहते हैं बोनस का बेनिफिट क्या होता है, बोनस में तो प्राइस हाफ हो जाता है। और दूसरी चीज़ एक और बात बता दें, बोनस में जो प्राइस हाफ होता है तो ये 600 का जब प्राइस मिलने लग जाता है तो यहाँ पे इन्वेस्टर अट्रैक्टेड देखने को मिलता है, काफ़ी सस्ता है तो वो खरीदारी करने की सोचता है। तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो बोनस के फायदे आपको देखने को मिलेंगे। और टेक्निकल पर चलते हैं। देखिए टेक्निकल में मैं बार बार HCL टेक्नोलॉजीज में कई बार वीडियो बना चुका था। देखिए जब भी ये स्टॉक अपने इस लेवल पर आता है, ये ट्रेंड लाइन के पास आता है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी थी, तो देखिए कई बार इस बार ये आया है यहाँ पे बोनस से पहले भी। देखिए जुलाई में यहाँ पे आया था 990 के आसपास, फिर से मौका यहाँ पे मिला था जब 1020 के लेवल 30 के लेवल पे ये आया था, और अभी शेयर अपने पीक पे है, बिल्कुल पीक पे। अगर अभी जैसे तरीके से मार्केट अप डाउन हो रही है तो मुझे लगता है अगर कुछ गिरावट इसमें आती है, कुछ भी गिरावट इसमें आती है क्योंकि बोनस पेंडिंग है, तो इस शेयर पे को अपनी रडार में रखना, अपनी नज़र में रखना। अगर थोड़ी बहुत भी इसमें गिरावट आती है जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रही है, थोड़ी बहुत से मेरा मतलब है कि चाहे ये आपको 1080 1100 के लेवल तक भी मिले, तो इसको ध्यान में रखना, अपनी रडार में रखना, बोनस पेंडिंग है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि बोनस पेंडिंग है, और अगर शेयर में कोई भी गिरावट आती है तो वो आपके लिए एक मौका हो सकती है एंट्री का। तो टेक्निकल लेवल्स हमको क्लियर दिखा रहे हैं कि स्टॉक ऑल्दो अपने अपने लेवल को, जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है उसको पार करके गया है, तो फिलहाल पिछले 2 दिनों में जिस तरीके से करेक्शन आया है, ज़्यादा करेक्शन के चांसेस है नहीं, क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि भाई बोनस के चक्कर में आप इसमें ध्यान देना, ऐसे बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको अपनी रडार में ऐड कर चुके हैं और इस पर ध्यान दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत भी गिरावट अगर आपको आती है, जैसे कि शेयर 1100 के लेवल पे आ गया या फिर 1100 से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो यार ये सारे जो है मौके बनेंगे और सारे लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं बोनस के चक्कर में। बोनस इशू किया है, बोनस के रिकॉर्ड डेट आते ही शेयर में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है आपको, और साथ के साथ एक्स बोनस डेट से पहले जो जंप आता है वो काफ़ी काबिले तारीफ आता है, क्योंकि बोनस है इसलिए एकदम जंप आता है वहाँ पे। वो 2-3 दिन जो होते हैं बोनस से पहले के, वो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं शेयर के लिए, उसमें बहुत बड़ा जंप आता है। फिलहाल आप देखें स्टॉक में एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन ऑलरेडी दिख रहा है, तो ये जंप डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट के पूरे पूरे चांसेस हैं। मार्केट की कंडीशन थोड़ी इस तरीके से डामाडोल से चल रही है, जिसकी वजह से शेयर में गिरावट के चांसेस भी हैं, तो आपको ध्यान देना है। और इसके अलावा HCL टेक्नोलॉजीज का मैं अभी कारोबार दिखाता हूँ जो वेडनेसडे का, देखिए 65% की डिलीवरी देखने को मिल रही है, लोग खरीद रहे हैं शेयर और भर रहे हैं बोनस के चक्कर में। तो ये ध्यान दें, चाहे प्राइस गिर रहा है लेकिन लोग शेयर को भर रहे हैं। तो इन्फोसिस और TCS को अभी थोड़ा साइड में रखिए, या फिर उनको भी नज़र बनाना है तो बनाइए, लेकिन इस शेयर पर तो जरूर नज़र बनती है। देखिए ICICI पोटेंशियल म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, इन्होंने खूब भर के रखा हुआ है शेयर को। इसके साथ साथ देखिए प्रोमोटर कौन है इसके मेजर, देखिए HCL कॉरपोरेशन, HCL होल्डिंग्स और वामा सुंदरी इन्वेस्टमेंट, ये मेजर प्रोमोटर इसके हैं। इसके अलावा डिविडेंड भी ये स्टॉक हर क्वार्टर में बिल्कुल 2-2 रुपये का डिविडेंड जरूर दिया करता है। तो ये अपडेट थी HCL टेक्नोलॉजीज के बारे में। बोनस पेंडिंग है, बोनस की रिकॉर्ड डेट पेंडिंग है, और फिलहाल TCS और इन्फोसिस के साथ साथ HCL टेक्नोलॉजीज पे नज़र रखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका बोनस पेंडिंग है। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस स्टॉक के बारे में और इसके बोनस के बारे में कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। कंपैरिजन दिखाया हमने TCS, इन्फोसिस और HCL का इस वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।